अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, शॉर्ट हैंड के एक और लेक्चर में खुश आमदीद। आज हम शॉर्ट हैंड जो पिट मैन कोर्स कर रहे हैं उसका 27, 28 और 29 पेज को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे क्या है। 27 और 28 पे कोई ख़ास चीज़ नहीं है, उसमें एक्सरसाइज हैं जिसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। जो मेन चीज़ है वो 29 पे है, वो है कंसोनेंट एच। ठीक है, एच को दो तरह से लिखेंगे, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। ठीक है, इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि कॉन्सोनेंट्स एच है इसको दो तरह से लिखा जाता है, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। इसको हे की आवाज़ देगा, हे की साउंड। ठीक है, जैसे ही, उसके बाद हाई, उसके बाद हे। ठीक है, उसके बाद होप, हैप्पी, ये सारे क्या हैं, ये डिफरेंट साउंड दे रहे हैं हे की आवाज़ में। अब इसके जो मेन चीज़ है इसके रूल्स को डिस्कस करेंगे। रूल्स इसमें क्या क्या हैं, ए है, ए में क्या चीज़ है, अगर फॉलो करे के और जी को तो हमने इसको डाउनवर्ड लिखना है, जैसे ही के और जी हो तो इसको डाउनवर्ड लिखना, जैसे ही हाई एक। ठीक है, उसके बाद हाईली, उसके बाद हायर। ठीक है, उसके बाद हाईवे, उसके बाद हाई रिक। ये सारे क्या हैं, ये डाउनवर्ड हैं, डाउनवर्ड लिखे हैं। ए रूल में क्या है कि अगर एच के बाद के की आवाज़ आए या जी की आवाज़ आए तो हम इनको डाउनवर्ड लिखें। ठीक है, उसके बाद जो बी है उसमें क्या है, अगर एच में कंसोनेंट्स आ जाएं, जैसे हैप्पी है, ठीक है, उसके बाद होप है, ठीक है, उसके बाद हेड है, उसके बाद हैवी है, उसके बाद होटल है, तो उसको अपवर्ड लिखेंगे, जैसे अपवर्ड। ठीक है, उसके बाद जो सी रूल है, सी में क्या है, अगर पी की आवाज़ आए, पी की आवाज़ आए तो उसको जोड़ देना, जैसे आई होप यू विल, आई होप यू आर, वी होप यू आर, वी होप यू विल। ये सारे क्या हैं, ये सारे डाउनवर्ड हम लिख रहे हैं, अपवर्ड सॉरी। तो इसमें अगर पी आ जाए तो इसको साथ मिला देना है। ठीक है, उसमें जो लास्ट रूल है जो डी है, डी में क्या है, डी में अगर इफ के बाद एच की आवाज़ आ जाए तो उसको जस्ट जोड़ देना है, ही इफ ही, उसके बाद इफ ही।